पिछली वाली वीडियो पे इतना व्यूज देखने के बाद गाइज मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, इसलिए गाइज मैं लेके आ गया हूँ टॉप 5 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट का दूसरा पार्ट। तो गाइज इस पार्ट अंदर फर्स्ट वाले पार्ट से भी ज्यादा मस्त मस्त गेम होने वाले, सो आपको तो गाइज ये पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और गाइज ये पार्ट के अंदर जितने भी साक्षर गेम्स होने वाले वो गाइज आपके लो एंड से लो एंड डिवाइसेस में भी चल जाने वाले हैं। सो गाइज आपको वीडियो तो जरूर देखनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए अपने 5th नंबर के गेम के ऊपर चलते हैं। तो हमारा 5th नंबर पे गेम निकल कर आता है क्राफ्टमैन जावा। तो गाइज आप इसकी पूरी की पूरी लोबी सकते हो, तो यार कितनी ज्यादा मस्त। और तो गाइज इसके अंदर हमें माउस भी देखने को मिलता है। चलो गाइज इसकी एक बार सेटिंग्स देखते हो। ओ भाई इसकी सेटिंग तो यार पूरी की पूरी जावा एडिशन वाली है। तो चलो गाइज इसके वर्ल्ड क्रिएटिंग स्क्रीन देखते हैं, क्या वो भी जावा वाली है। तो न्यू वर्ल्ड के ऊपर टैप करते हैं, क्रिएट न्यू के ऊपर टैप करते हैं। ओ भाई इसकी तो वो ही सेम है यार, भाई कितना ज्यादा मस्त है, इसको आप खेल सकते हो। ओके तो क्रिएट के ऊपर इसके अंदर भाई देखते हैं कितने गेम मोड है। ओके तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही गेम मोड है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो क्रिएट के ऊपर टैप करते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो इसकी वर्ल्ड जनरेटिंग स्क्रीन भी बिल्कुल ही जावा एडिशन वाली है। तो गाइज इसको एक बार वर्ल्ड के अंदर जाके देखते हैं वर्ल्ड के अंदर कैसा है ये। ओके तो भाई इसके वर्ल्ड के अंदर गाइज हमारे छोटे छोटे से कंट्रोल है साइड में, और भाई इसके अंदर माउस बीच में आ रहा है, लेकिन भाई इसके अंदर अभी तक ओनली 1.19 ही है। देखते इसके अंदर 1.20 आया भी है नहीं, एक बार यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं किसके अंदर 1.20 है या नहीं। ओके तो यार जैसा मैंने देखा किसके अंदर 1.20 नहीं आया, फ्यूचर में इसके अंदर 1.20 आ सकता है, तो वेट कर ले। तो गाइस अपने यहाँ पे 5th गेम एंड होता है, चलो गाइस अपने 4th गेम के ऊपर चलते हैं। तो गाइस हमारा 4th गेम है क्राफ्ट्समैन एडवेंचर। तो गाइस ये कुछ ज्यादा यूनिक गेम है, इसकी गाइस आप लॉबी देख सकते हो यार कितनी ज्यादा अच्छी है। तो चलो गाइस इस गेम की सेटिंग्स के अंदर जाके देखते हैं। ओके तो गाइस इसकी सेटिंग्स माइनक्राफ्ट जैसी ही है, और गाइस चलो इसके वर्ल्ड के अंदर जाके देख, और गाइस इसकी वर्ल्ड क्रिएटिंग स्क्रीन तो बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसी है। और गाइस मुझे ये इसका बैनर देख के लगता है कि इसमें 1.20 अपडेट होगा। तो चलो गाइस इसे सेलेक्ट करके इसके वर्ल्ड के अंदर जाके देखते हैं। ओके तो गाइस हम इसके वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। गाइस इसके टेक्सचर थोड़े ज्यादा अजीब से हैं, देख सकते हैं टेक्सचर कितने ज्यादा अजीब से हैं। तो गाइस एक बार अपनी इन्वेंटरी में जाके देखते हैं, क्योंकि गाइस इसके अंदर हमें दिखा रखा है कि इसके अंदर शेर वगैरह सब हाथी वगैरह जानवर बटरफ्लाई होंगे, मतलब बटरफ्लाई भाई इसमें बटरफ्लाई, अरे भाई बटरफ्लाई भाई कितनी ज्यादा सुंदर है भाई। और भी जानवर देखते हैं, इसमें और भी जानवर है क्या। ओके भाई राइनो, भाई राइनो देखते एक बार, लेपर्ड भाई इसमें सब है भाई, एक बार देखते हैं भाई कितना ज्यादा छोटा है भाई राइनो। ओबे भाई राइनो भाई वेरी डेंजरस, कितना ज्यादा बड़ा है। लेपर्ड देखते एक बार। ओके तो गाइस इसके अंदर सारे के सारे जो नॉर्मल जो माइनक्राफ्ट में जानवर नहीं मिलते गाइस उसको इस गेम के अंदर वो मिलने वाला है। तो गाइस काफी यूनिक गेम है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो गाइस हमारा 4th गेम यहीं पे एंड होता है, चलो गाइस अपने 3rd गेम के ऊपर चलते हैं। तो गाइस हमारे 3rd गेम का नाम है लोकी क्राफ्ट 10। तो गाइस लोकी क्राफ्ट का सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है, और गाइस आप इसकी लॉबी देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छी है। चलो गाइस मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो गाइस इसकी सेटिंग्स बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसी दिखती है, तो गाइस ये काफी अच्छा गेम है। चलो गाइस मैं आपको इसके वर्ल्ड के अंदर जाके दिखाता हूँ। क्योंकि गाइस तो इसका पूरा इंटरफेस मतलब कि गेम का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा है। तो एक बार देखते हैं इसके अंदर 1.20 आई थिंक सो नहीं है, तो इसके अंदर तक 1.19 है, तो आई थिंक सो इसके अंदर फ्यूचर अपडेट्स में 1.20 आ जाएगा। सो गाइस हमारा 3rd गेम यहाँ पे एंड होता है, तो गाइस हम अपने 2nd गेम के ऊपर चलते हैं। सो गाइस हमारे 2nd नंबर के गेम का नाम है क्राफ्ट्समैन 4। और तो ये गाइस क्राफ्ट्समैन सीरीज का ही 4th पार्ट है। चलो गाइस मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सो गाइस सेटिंग में माइनक्राफ्ट जैसी, और इसकी गाइस सेटिंग में पूरी पूरी डार्क थीम क्या। तो गाइस मैं आपको इसका वर्ल्ड दिखा देता हूँ, उससे पहले गाइस हम कंट्रोल का चेंज करते हैं, फिर गाइस मैं आपको इसका वर्ल्ड दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं इसके वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और गाइस इसके वर्ल्ड के अंदर 64x64 का टेक्सचर पैक लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना ज्यादा मस्त है। और गाइस इसके अंदर आपको 1.20 का सपोर्ट भी मिल जाता है, देखो गाइस यहाँ पे ट्रिम्स भी है। सो गाइस हमारा यहाँ पे 2nd गेम एंड होता है, चलो गाइस अपने 1st गेम के ऊपर चलते हैं। सो गाइस हमारे 1st गेम का नाम है क्राफ्ट्समैन ब्लॉक क्राफ्ट सर्वाइवल। गाइस आप इसकी लॉबी देख सकते हो, गाइस मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सो गाइस इसकी सेटिंग्स बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसी है, तो गाइस मैं आपको इसका वर्ल्ड ज्वाइन करके दिखाता हूँ, इसका वर्ल्ड का टेक्सचर कैसे है। तो गाइस आप इसके टेक्सचर देख सकते हो कितने ज्यादा ही मस्त है, 64x64 का इसका टेक्सचर पैक है। और गाइस इसके अंदर मुझे लगता है 1.20 का भी अपडेट होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर टेम्पलेट है या नहीं।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट भी है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर 1.20 का भी सपोर्ट मिलता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।